वंदे मातरम स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार का कार्य कर रहा हूं और इस कार्य को करने में जो सहयोग आशीर्वाद अनुभव मार्गदर्शन मिल रहा है आप सभी का, उसके लिए आप सभी को कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आज 17 सितंबर 2023 मैं रीना दीदी रीना बहन के द्वारा इनके भीड़ गांव जो करनाल की भीड़ गांव है, इनकी वार्षिक सालाना जो अपना गांव का त्यौहार होता है उस त्यौहार में इन्होंने मुझे बुलाया कि आइए आप हमारे भास और हमारे जो गांव के समाज हैं भाई बंधु हैं उनके बीच में स्वदेशी चिकित्सा की जो रसोई घर प्रमाण की प्रथम औषधालय है इसके बारे में आप अपनी जानकारी दें। इसके लिए दीदी को सबसे पहले हार्दिक धन्यवाद आप दोनों को कि आपने हमें इस काबिल समझा और हमें मौका दिया कि प्रचार प्रसार के लिए जमीनी स्तर पे आपने हमें मौका दिया, इसके लिए कोटि कोटि नमन करता हूँ आपको। और स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र की ओर से ये मैं कुछ भेंट देना चाहता हूँ और इसमें ये भेंट है और इसके बारे में हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या है, तो पहले आप ये लीजिए। और इसका जो सबसे पहला जो है हमारा कि निरोगी जीवन का मूल आधार रसोई घर है अपना ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय और मसालों द्वारा चिकित्सा, जैसा कि राजीव भाई के व्याख्यानों से ही प्रेरित हुए हैं और राजीव इसमें सबसे ज्यादा हमें महत्व मिला है कि हमारे रसोई घर में जो मसाले पड़े हैं उससे ही हमारा इलाज हो सकता है, उसकी जानकारी इस पुस्तक में है। ये एक अपनी पुस्तक पिटारा खुल रहा है, ये हमारा बैच और ये की चेन, ये के हर्बल मस्क्यूटो क्वाइल है जो मेरा हमारा स्वस्थ समृद्ध परिवार का उत्पाद नहीं है लेकिन एक हर्बल है इसलिए बाहर के स्वरूप। ये हमारे पास में एक बैज जी हैं उनके द्वारा बनाया गया एक छू मंत्र हर्बल पैक है जो माताएं बहनों की जिद्दी झाइयों को, जो बहुत सारी जिद्दी झाइयां हो जाती है डार्क सर्किल हो जाते हैं उसको नष्ट करती है। अरे ये तो मेरे को बहुत जरूरत है। बहुत और ये आयुर्वेद की कुमकुमादी तेल है, शास्त्रों से के द्वारा बनाई गई, अलग अलग कंपनियां बनाती है, मेरे पास जो उपलब्ध था मैं वो लाके इसके इस्तेमाल होता है। ये वही बैची जो है फ्रंटलाइन उनके द्वारा बनाया गया हर्बल हेयर ऑयल है जो उनके कहने का उन्हीं का कहना है और कई सारे परिणाम है कि माताओं के बाल झड़ने तो इससे 110% ठीक हो जाते हैं, 100%। पुरुषों के उतने लाभ नहीं देते जितना होना चाहिए, उसमें कुछ कमी बेसी रह जाती है। सच बोलते हैं, सबसे बड़ी बात है वो सच बोलते हैं कि क्योंकि पुरुष को ज़्यादा स्ट्रेस होता है माताओं के बहनों के, उनको बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं इस वजह से, तो ये कि हर्बल वायल। ये अमृत धारा जो आप सभी जानते हैं आसानी से हर कोई बना सकता है, अजवाइन सत पुदीना सत और भीमसेनी कपूर आपस में बराबर मात्रा में मिला देते हैं तो अजवाइन सत बन जाए ये अमृत धारा बन जाता है। अमृत धारा के अनेकों फायदे हैं, कम शब्दों में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हर घर में होना चाहिए। चोट लग गया दर्द हो रहा है तो लगा दीजिए वो ठीक हो जाता है, खुजली हो रही है नारियल तेल में मिला के लगा लीजिए खुजली ठीक हो जाती है, गर्मी बहुत लग रही है 5 मिनट डाल के स्नान कर लीजिए गर्मी, एसी का खर्चा बचता है। इसका सबसे बड़ा फायदा हमने जो देखा है आज के समय में कि अगर इसके 5 बूंद डाल के कोई स्नान करता है तो उसको 3 घंटे तक एसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, बिजली का खर्चा बच जाता है। फिर पेट दर्द हो रहा है तो आप ले सकते हैं गर्म पानी से, दस्त हो रहे हैं तो ले सकते हैं, उल्टी हो रही है तो ले सकते हैं, इस तरीके से कई सारी तकलीफों में अमृत धारा। और ये मैजिक ऑयल है जो स्वदेशी चिकित्सा के प्रचार प्रसार में कार्य करते हुए ये एक तेल स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से बनाया गया है, तो मैजिक ऑयल इसके सूंघने मात्र से कई सारे लाभ हैं। अगर आपको थकावट महसूस हो रही है, हरासमेंट महसूस हो रही है, चक्कर आ रहा है, उल्टी जैसा मन हो रहा है, जी खराब हो रहा है तो इससे सूंघने से ठीक हो जाता है। कोई नशेड़ी नशे में पड़ा हुआ है उठ नहीं रहा है तो उसको अगर सूंघा देते हैं उसके अगल बगल लगा देते हैं तो वो उठ के चल पड़ता है,
तो इतनी ताकत है, कोई सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन ये किसी रोग का इलाज नहीं है, रोग का इलाज है, कोई दवा नहीं है कि इसको लेने से। हाँ, कईयों को कई रोग ठीक हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, 20-20 साल पुरानी छींकों की समस्या, एलर्जी की समस्या, जुकाम की समस्या ठीक हो गई है, लेकिन जरूरी नहीं कि 100 में से 100 को ठीक हुआ, लेकिन सूंघने से राहत मिलती है और लगाया भी जाता है। लगाने पे जलन पैदा करती है, तो आप इसे ज्यादा जलन हो रहा हो तो उसमें नारियल तेल लगा लें, घी लगा लें, या अगली बार जब भी लगाना हो तो आप उसमें सरसों का तेल या तिल का तेल, अरंड का तेल मिला के उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। ये मैजिक ऑयल है, इसकी 2 छोटी शीशियां सूंघने के लिए और वो लगाने के लिए। ये है रोमनाशक लेप। रोमनाशक लेप अनचाहे बालों से मुक्ति। ऐसी माताएं बहनें जो अपने जीवन भर अपने अनवांटेड हेयर को, या जो ऐसी जगहों पे जो बाल होते हैं जिनको हटाने के लिए व्हीट का या वैक्स का या जो भी अलग अलग तरीके अपनाते हैं, उनसे जीवन भर की मुक्ति पा सकती हैं। जैसा कि दीदी के पास हमने देखा यहाँ पे कि क्या बोलते हैं, पैड है माता बहनों को बचाने, सैनिटरी पैड। तो ये आयुर्वेद की 4 चीजों से बनी हुई प्रमाणित है। आयुर्वेद के सांगर संहिता का अध्ययन करते करने के दौरान मुझे ये जानकारी मिली, और इसकी पूरी सरल सी बात है कि बात मालूम होनी चाहिए। एक हमारी हरियाणा की ही क्या बोलते हैं, रोहतक रोहतक की दीदी हैं, उनकी माँ बेटी दोनों को जब भी वो अंडर आर्म्स के बाल हटाती थी तो वहाँ फुंसी और गांठें हो जाती थी, घाव हो जाता था, गांठें हो जाती थी। तो मैं उनको इलाज बताता था, वो फुंसी और गांठ ठीक हो जाती थी, लेकिन मैंने कहा यार अगर यहाँ से बाल हट ही जाए, आ ही ना, तो ये मुक्त हो जाएंगी। अब वो तो कोई एलर्जी हो रही है, चाहे वीट का एलर्जी हो रहा है या बाल हटाने की वजह से रेजर से एलर्जी हो रही है, लेकिन एलर्जी होने के बाद वो दिक्कत हो रही है। तो उसी दौरान मुझे जानकारी मिली सांगर संहिता से कि रोमनाशक लेप, जिसमें 4 चीजें मिलाई जाती है, अपने आपके आसपास के पंसारी की दुकान से मिलेगी। शंख भसम, हड़ताल, सज्जी खार और मैंसिल, ये 4 चीजें हैं। शंख भसम को 4 गुना रखना है, मतलब मैंसिल को आप ले लेते हैं, सबसे पहले अगर मैंसिल आपके पास 1 चम्मच ले रहे हैं तो आपको 2 चम्मच सज्जी खार लेनी है, 2 चम्मच हड़ताल लेनी है और 4 चम्मच शंख भसम लेना है। उनको बराबर मात्रा, मतलब इस तरीके से लेके एकदम बारीक पाउडर करना है, मतलब ऐसा जैसे मैदे जैसा होता है, और उस पाउडर को बना के रखें। अनचाहे बालों को हटाएं, किसी भी तरीके से हटाएं, उसके बाद इसे पानी में घोल के लगाएं। लगाने के बाद जब आप देखेंगे कि जो बाल आने की ड्यूरेशन है, जो पहले गतिविधि थी कि 10 दिन में बाल नजर आ रहे हैं, 15 दिन में आ रहे हैं, या महीने में बनाना पड़ रहा है, 2 महीने, जिसकी जैसी ग्रोथ होती है, हर किसी की बालों की ग्रोथ अलग होती है, लेकिन अगर इसके उपयोग के बाद कई बहनों का अनुभव है, तो ऐसे तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर 7 बार ये प्रक्रिया कर दिया जाए, आज आपने अंडर आर्म्स के बाल हटा लिए, मतलब किसी भी जगह के अनवांटेड हेयर को हटा लेते हैं, चाहे वो अपर लिप्स के हो या कहीं भी हो, चाहे हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो, किसी भी कारण से हो, तो अगर बाल हटाने के बाद आप इसे लगाते हैं तो धीरे धीरे उसकी ड्यूरेशन खत्म होगी, और 7 बार ऐसी प्रक्रिया हो गई तो जीवन में कभी बाल नहीं आएंगे। जैसे बौद्ध भिक्षु के जो सर होते हैं, जो भी बहुत बिच्छू होते हैं, वो एकदम पूरे टकले होते हैं, गंजे होते हैं, उनका एक भी बाल नहीं होता, जब तो उस तरीके का शरीर हो जाता है। ये आपके लिए, और ये सभी माता बहनों को कम से कम जीवन में अपना बहुत कष्ट बचा सकती हैं। धन की तो बात ही अलग है, धन तो ठीक है जी, कोई घर में कर लेता है, कोई पार्लर जाके कर लेता है, अलग बात है, धन की कोई बात नहीं, लेकिन जो कष्ट है, कष्टों से मुक्त हो सकते हैं, तो आयुर्वेद बहुत अच्छा है। और जैसा कि हमारा नारा भी है कि स्वस्थ रहना है, समृद्ध रहना है, तो आयुर्वेद को पढ़ना है, आयुर्वेद को समझना है, आयुर्वेद को अपनाना है। और राजीव भाई की तरफ से मैं आप सभी से विनम्र विनती करता हूँ कि अपने संस्कारों को बचाएं, अपनी परंपराओं को बचाएं, अपने स्वास्थ्य और समृद्धि की रक्षा करें। अगर कम शब्दों में एक बात बोली जाए, शरीर तो रहना नहीं है, चाहे बड़े से बड़ा वैद्य आ जाए, बड़े से बड़ा डॉक्टर आ जाए, अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल आ जाए, भगवान भी उतर के आ जाए, भगवान को भी यहाँ पे आए हैं तो उनको भी जाना पड़ा था। आप सबको मालूम है कि रामकृष्ण का जन्म हुआ और सबके सब गए, तो यहाँ जो आया है सब जाएगा, छोड़ क्या जाते हैं ये डिपेंड करता है कि हम छोड़ क्या जाते हैं। तो छोड़ने के लिए हम अपने अच्छे व्यवहारों से, अपनी विचारों से अपने आप को छोड़ जाएंगे, अपनी छवि छोड़ जाएंगे, छाप छोड़ जाएंगे। तो कहते हैं संस्कार बचा लें तो देश भी बचेगा, परिवार भी बचेगा, देश भी बचेगा। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका जितना अच्छे उपहार हमारे लिए लेके आए हो, जो सच में जरूरत है हर घर की जरूरत है, तो ये तो सभी के पास होने चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।